तो अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब आरबीआई की तरफ से नोटबंदी 2.0 का ऐलान किया गया, जिसके तहत 2000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा आरबीआई की तरफ से की गई। अब हाल फिलहाल में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 500 रुपए के जो नोट हैं वो भी इकोनॉमी से गायब हो चले हैं। 88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के नोट बताए जा रहे हैं और इसका आधार दिया जा रहा है कि ये जानकारी एक आरटीआई के जरिए निकलकर सामने आई है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई ने इस पर सफाई दी है और कहा है हम पर भरोसा रखिए। क्या कुछ कहा गया है आरबीआई की तरफ से इस रिपोर्ट पर देखिए। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में आरटीआई के हवाले से दावा किया गया कि बड़ी संख्या में 500 रुपए के नोट इकोनॉमी से गायब है, जिसकी कीमत करीब 88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसे लेकर अब आरबीआई ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताते हुए केंद्रीय बैंक ने बताया है कि आरबीआई के तहत देश की 3 प्रिंटिंग प्रेस से 500 रुपए के नोटों को लेकर जो जानकारी दी गई उसका गलत मतलब निकाला गया और गलत तरीके से व्याख्या की गई। केंद्रीय बैंक ने कहा जो भी नोट प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं वो पूरी तरह से सिक्योर होते हैं। पूरे प्रोटोकॉल के साथ इन बैंक नोट्स के प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की मॉनिटरिंग होती है। प्रिंटिंग प्रेस से आरबीआई को दिए जाने वाले एक एक नोट की गिनती तक की जाती है। आरबीआई की तरफ से इसके लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाई गई है। आरबीआई ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि वो इस तरह के मामलों में केवल केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने आरटीआई के जरिए कुछ सवाल पूछे थे, जिसके जवाब में बताया गया था कि नए डिजाइन वाले 500 रुपए के लाखों नोट गायब हुए हैं, जिसकी वैल्यू 88,032.50 करोड़ रुपए है। दावा किया गया था कि देश के 3 प्रिंटिंग प्रेस यानी कि बेंगलुरु, देवास और नासिक की तरफ से नए डिजाइन वाले 500 रुपए के 8,810.65 मिलियन नोट छापे गए, लेकिन रिजर्व बैंक को इसमें से 7,260 मिलियन नोट ही मिले। कुल मिलाकर 500 रुपए के 1,760.65 मिलियन नोट गायब हुए, जिसकी वैल्यू 88,032.50 करोड़ रुपए है। मामला सामने आने के बाद इसी को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स जारी की गई, जिसे लेकर अब आरबीआई ने सफाई दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।